तो आ गए। चलो ठीक है, आ गए तो यार वीडियो को लाइक भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। एंड यार आज की वीडियो में ना ऐसी चीज़ बताऊंगा, अगर आप एक फोटो एडिटर हो, ठीक है, अगर आप एक फोटो एडिटर हो तो आज की वीडियो में ऐसी चीज़ आपको बताऊंगा कि यार बोलोगे यार डीके भाई पहले क्यों नहीं बताया बोलोगे। तो आज की वीडियो ना इतना मज़ा आएगा ना भाई। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुड़गा सिंह इंट्रो लगाओ। तेरे बाप का नौकर हूँ। सॉरी, इंट्रो लगाओ यार। रुक, गुटखा खाने वो पहले। हाँ अच्छा, गुटखा थोड़ा कम खाया कर, टट्टो कैंसर हो जाएगा। ठीक, साला हर काम मेरे को करना पड़ता है। फर्स्ट ट्रिक होने वाली है वन क्लिक में फेस स्मूथ किए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपनी फोटो को ले जाना है स्नैपसीड पे, देन यार यहाँ पे जाना है सिलेक्टिव टूल पे, ठीक है। वन क्लिक में फेस स्मूथ की ट्रिक बता रहा हूँ। देन यहाँ पे ऐसे करके सिलेक्ट करना है जिस एरिया में आपको फेस स्मूथ किए उस एरिया का स्ट्रक्चर को आपको माइनस कर देना है, ठीक है। देन यार और कहीं पर भी जाके यहाँ पर ऐसे करना है, स्ट्रक्चर को ऐसे माइनस कर देना है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर हमने कर दिया माइनस। व्यू एडिट पे जाके सिर्फ फेस पे इसको अप्लाई करना है, ठीक है। कहीं पे भी नहीं करना है, सिर्फ फेस पे अप्लाई करना है। बस देख सकते हो यार एक क्लिक में वो मतलब फेस स्मूथ हो चुकी है एक क्लिक में, ठीक है। सिर्फ स्किन पे अप्लाई करना है ना, कहीं और अप्लाई नहीं करना है, बस थोड़ी देर से हो जाएगी। यस देख सकते हो एक क्लिक में फेस स्मूथ। देन यार यहाँ पे फेस में ग्लो डाल देना है यहाँ सर से, या फिर सिलेक्टिव टूल से यहाँ पे ग्लो कर सकते हैं फेस को, ठीक है। ये ट्रिक नंबर वन है। गाइस सेकंड ट्रिक है, आपको जहाँ मतलब आप जैसे स्नैपसीड में एकदम बहुत बढ़िया फीचर है, उसका नाम है पोर्ट्रेट करके, ठीक है। ये पोर्ट्रेट मोड है। देन इससे क्या होता है कि यार फेस पे फोकस जाता है, ठीक है, बैकग्राउंड पे नहीं, फेस पे फोकस जाता है इससे। तो क्या होता है कि देखना कई तो पिक आप करोगे ना उसमें, यहाँ पे जैसे इसको पोर्ट्रेट पर क्लिक किया तो यहाँ पे ट्राई हार्डर या तो कुछ ऑप्शन आता है, ठीक है। तो अगर वो ऑप्शन आपके हमारे जैसे आप फेस पे मास्क पहने हो, ठीक है, मास्क या कुछ पहना हो, ठीक है, तो वो ट्राई हार्डर ऐसा कुछ आता है, मतलब वो आता है यार यूज़ ही नहीं हो पाता। आपको सिंपल से क्या करना है, अपने पिक को ले जाना है लाइट रूम पर एंड थोड़ी बहुत इधर उधर अगर रिटच करनी है, सेचुरेशन बढ़ा लेनी है, कुछ और करनी है, देन यार उसके बाद आप आके इस पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन को ट्राई कर सकते हो। तब 100% वो वर्क करेगी, 100% वर्क करेगी। इसमें तो मेरा फेस क्लियर दिख रहा है, देन इसलिए मतलब ये वर्क कर रहा है। और मास्क वाला फोटो मेरे पास एक भी नहीं है, नहीं तो आपको करके दिखा देता, ठीक है। यार बहुत ही ओपी टूल है, एक बार यूज़ करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। बस ये है आपको जो फेस स्मूथ होता है ना, इससे इतनी रखनी है। देन यार इसको सिर्फ फेस पर अप्लाई करना है, ठीक है। सिर्फ फेस अप्लाई करना है। देख सकते हो गाइस स्किन कैसे ग्लो हो रही है। अरे देखो ये ना बहुत ही गजब की टूल है यार, फेस के लिए ना बहुत ही गजब की टूल है, ठीक है। देख सकते हो गाइस यार आज पता नहीं मेरे गला बैठा बैठा लग रहा है, आज पता नहीं क्या हो गया। देख सकते हो गाइस, देखना एक सेकंड ना, ये देखो ये ऐसी फेस थी एंड यार वन क्लिक में, ठीक है। देखो गाइस ओ भाई क्या ओपी है, ठीक है। एंड इसको हल्का सा से करके नॉर्मल सा से बैकग्राउंड पे भी होना चाहिए, इससे क्या होता है कि फेस पे मतलब फेस नहीं बंदे फोकस जाता है। यार देखो फेस यार क्या ग्लो कर रही है, मतलब मैंने कुछ नहीं किया आपके सामने अभी ये किया, देन ओ भाई यार क्या यूनिक लग रही है। चलो ठीक है, तो बस क्या होता है कि कई बार देखना इस टाइप की पिक आ जाती है, ठीक है। यार देखो यार फोटो मतलब बहुत अच्छी नहीं है, बट यार फोटो मेरे को अच्छी लगी यार। देखो बैकग्राउंड एकदम यूनिक से लगी इसकी, ठीक है। नहीं यार इस पिक को क्या होगी एकदम डार्क आ गई है, ठीक है। तो इसको कैसे लाइट कर सकते हैं, सिंपल सा आपको इसको ले जाना है लाइट रूम ऐप पर, ठीक है। लाइट रूम पर ले जाना है, ये हमारी फोटो आ चुकी है लाइट रूम ऐप पर। देन यार आपको सबसे पहले क्लिक करना है यहाँ पे, यार ब्लैक्स को कर लेना 100, व्हाइट्स को 50 कर लेना, देन यार शैडोज को बढ़ा लेना, देन हाइलाइट्स को माइनस, कौन
क्लियरिटी वाली को थोड़ा है ना डिज़ाइन को प्लस कर देना, ठीक है, बस इतना कर देना। फिर देखो एक क्लिक में बस इतना ही करना है आपको। देन यार उसके बाद आपको फोटो को करना है, फिर इसके बाद फिर लाइट रूम ला के रीटच करना है, ठीक है। फिर डार्क ये तो इतने इतना सेटिंग करके आपको लाइट कर लेना है ना, उसके बाद फिर ला के रीटच करना है, ठीक है। तो वैसे एकदम सिंपल सी मतलब वही चीज है, उसके बाद आप कुछ भी रिटच कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे यार इस ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा बैकग्राउंड को प्रोफेशनली ब्लर कैसे करें, ठीक है। लेकिन यार क्या होता है, एक सेकंड ना, पहले फोटो को ले जाते हैं स्नैपशॉट पे, ठीक है। देन ये हम आ गए स्नैपशॉट पे, देन क्या होता है प्रोफेशनल लूँगा देखना है, जैसे अपने NLB सर की देखते हैं पीक क्या होता है, उन लोग भी मतलब देखना कहीं पे ज़्यादा ब्लर रहती है, कहीं पे कम ब्लर रहती है। तो नॉर्मली अपने को क्या करना है, जैसे ये हमने किया नॉर्मल ब्लर, ठीक है, कम ब्लर है, ऐड किया। देन हम लोग सबसे पहले बैकग्राउंड पे ब्लर करना, ठीक है। तो मेरे को यहाँ यहाँ मैंने लग रहा है कि यहाँ यहाँ करना चाहिए, फिर मैं वहाँ वहाँ करता हूँ, मतलब जो दूर का चीज़ है ना वहाँ पे ब्लर करना सबसे पहले, ठीक है। ठीक है, उसके बाद फिर से आपको जाना है ब्लर पे। नहीं, अब बाकी जहाँ जहाँ आपको लगता है ब्लर करना है वहाँ वहाँ ब्लर करना है, ठीक है। अपन लोगों को लग रहा है कि यहाँ यहाँ ब्लर होना चाहिए, यहाँ यहाँ अपने ब्लर। देन यहाँ पे ब्लर किया ना, वहाँ पे डबल ब्लर करना है, ठीक है। तो देख सकते हो ये देखो, ठीक है, तो देखो ब्लर कैसे भी नकली लग रही है, क्या देख सकते हो ऐसे। देन यार आपको ना क्या करना है यार, एक और चीज़ है यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है एनिमेशन। एनिमेशन को थोड़ा सा माइनस कर देना, इससे क्या होता है पता है, लगता है कि यार सपोज जैसे ये बंदा है, ठीक है, ऐसा लग रहा है बंदा बैकग्राउंड से दूर है, देखो इसमें लग रहा है कि ऐसा फोटो टाइप लग रहा है, इसमें ऐसा 3D फोटो टाइप, मतलब बंदा बैकग्राउंड से दूर अटैक लगता है। मैं भी ये इफेक्ट यूज़ करता हूँ, अगर आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो बढ़ते नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो ये सबसे लास्ट ट्रिक होने वाली है, वो भी स्नैपशॉट में ही होने वाली है आज की। मैंने लास्ट ट्रिक में ये क्या होने वाला है कि अपन लोग जैसे कि लोगो ऐड करते हैं, टेक्स्ट ऐड करते हैं, यहाँ से आपको लोगो या टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो सपोज मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पर अपना टेक्स्ट ऐड करता हूँ, ठीक है, डी के अर्थ। देख सकते हो डी के आर्ट यहाँ पर लिखा, ठीक है। आप इसको ना ऐसे अगर छोटा कर लेना सिंपल सा, एंड किसी भी कोने में कर देना, ठीक है यार। ये एक लोगो टाइप का देखो, अगर आपके पास लोगो नहीं है ना आप इसी का यूज़ कर सकते हो। देन यहाँ से ऑपेसिटी कम कर सकते हो, मतलब देख सकते हो यार, यहाँ पे कलर टोन कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आपको येल्लो चाहिए तो येल्लो हो जाएगी, ब्लैक चाहिए तो ब्लैक हो जाएगी, इस टाइप की देख सकते हो बस। यानी आपको किसी भी कोने में या कहीं पे भी इसको ऐड कर देना है, ये जैसे डी के देखो अब एकदम परफेक्ट लग रही है लोगो है, यार मतलब यार बना बुना आपको लोगो मिल जा रहे हैं यहाँ पे यार, और क्या चाहिए यार। और भी डिज़ाइन है, ठीक है, यहाँ पे और भी इतना सारे डिज़ाइन है, वही देख सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ से इसका यूज़ करो यार, ओपी फीचर में तो बहुत अच्छा लगा ये फीचर, ठीक है। अरे वाह, वीडियो पूरी देख भी लिए? अरे यार थैंक यू सो मच गाइस यार,
और एक बात बता रहा हूँ कि अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक कर दो, ठीक है? अरे स्टार्टिंग में ही मैंने याद दिला दिया था लाइक करने को, यार लेकिन कोई करता नहीं है। मतलब यार इतने मतलब 20 लोग देख भी लेते हैं यार, कोई लाइक ही नहीं करता, 10-12 लोग लाइक करते हैं, ठीक है? तो वैसे यार पूरे लाइक कर जितने हैं देख रहे हो ना यार, सब लाइक कर दो, ठीक है? एंड यार वीडियो कैसी लगी कमेंट तो करना नहीं यार, बस हो गया है ना। अरे कमेंट करो वीडियो कैसे लगे, ठीक है? एंड ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। एंड यार गुटका सिंह आजकल कुछ ज़्यादा ही फेवर है ना, उसको सबक सिखाएंगे, ठीक है?